अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं कि कोई ऐसा मोबाइल इन्फिनिक्स टेक्नो या कोई भी MTK फ़ोन किसी कंपनी का भी हो तो वो डेड कंडीशन में हो, वाटर डैमेज वगैरह ना हो और बिल्कुल मतलब क्लीन कंडीशन में हो, और उसके बावजूद जो फ़ोन है ना वो ऑन ना हो रहा हो, ना पोर्ट बना रहा हो, मतलब कोई उसकी जो है ना उसकी तरफ से कोई रिस्पांस ना मिल रहा हो। तो और आप जैसे ही उसको बैटरी वगैरह या चार्जर वगैरह लगाओ, तो बैटरी लगा के तो उसका जो पावर IC है वो हीटिंग हो, नॉर्मली हीटिंग हो, तो उसमें ज़्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि पावर IC का इशू है। तो उसको कैसे आपने ट्रेस करना है, उसके लिए आपने कुछ चीज़ें हैं उनको ध्यान से देखना है। इसमें सबसे पहले तो आपने चेक करनी होती हैं दो लाइनें, VIO 1.8 और VUSB 3.3 या 3.0। इसमें अभी आपको डायरेक्शन भी बता दी जाएगी, अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो कैसे आप VIO और VUSB पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो पहला कैपेसिटर CPU के पास होता है उसको मैंने चेक करने के लिए आपको बताया है। ये देखें, इसको कॉपी करके मैंने जब डायग्राम में लेके गया हूँ तो ये देखें, ये लाइन जो है ना, ये देखें यहाँ से कनेक्टेड है, और ये देखें ये बनती है आपकी VIO 1.8। इस लाइन पे चार्जर लगा के आपके 1.8 वोल्टेज आते हैं, ये पावर IC जनरेट करता है, और ये तभी जनरेट करेगा जब सब कुछ सारी लाइनें बिल्कुल ओके होंगी। अब ये साथ वाला कैपेसिटर, इसको आप कॉपी करें, इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन जो है ना वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। ये देखें, VUSB PMU 3.3 3 वोल्ट तकरीबन इस पे आते हैं। ये देखें AVDD 3.3। तो ये जो तीन चार लाइनें हैं, तीसरी लाइन को अपना भी चेक करो, पहली दो लाइनों को आपने कंफर्म चेक करना है, पहले मीटर से चेक कर लेना है CPU के पास जो लाइनें हैं कि वो शॉर्ट तो नहीं है। अगर वो शॉर्ट होंगी तो अगर पावर IC आपका ओके भी है, जो कुछ भी है, लेकिन वो जो है ना पावर जनरेट नहीं करेगा, ना ही बक वोल्टेजेस बनाएगा और ना ही LDO के वोल्टेज बनेंगे, मतलब कोई वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। तो इसको ट्रेस करने का बिल्कुल आसान तरीका है, जिससे आप बड़े आसान तरीके से जो है ना इसको आप क्लियर कर सकते हो। तो इसको क्लियर करने के लिए आपने PCB को निकाल लेना है और चार्जर लगा के चेक करना है। नॉर्मल शॉर्टेज तो सारे ही मतलब इतना तो करते हैं, पहले चेक करते हैं लाजमी के कूल टेस्टिंग आप जिसको कहते हैं, मीटर बैटरी और चार्जर के बगैर शॉर्टेज वगैरह कहीं पे शॉर्टेज तो नहीं है जिसकी वजह से आपका फ़ोन जो है वो बूट नहीं कर रहा या वोल्टेजेस नहीं बना रहा। तो इसमें बड़े आसान से दो तीन ट्रिक्स हैं जिससे आप फौरन जो है ना फॉल्ट तक पहुंच जाओगे। तो चलें देखते हैं PCB पे। ये देखें, PCB बिल्कुल फ्रेश था लेकिन किसी ने इसको रिपेयर करने की कोशिश की है, तो लेकिन उसको समझ नहीं आई है जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि पावर IC हीट अप हो रहा था लेकिन छेड़ा इसको किसी भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। तो पहले बैटरी टेप, जो सबसे पहला स्टेप है, आपने इसके बैटरी के कनेक्टर पे आपने GR लेना है कि बैटरी के कनेक्टर पे GR सही आ रहा है, तो बस चार्जर इनपुट करके तो आपने वोल्टेजेस चेक करने हैं।
कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, बड़े ध्यान से आप देखना सारी वीडियो को, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें समझ आएंगी। सबसे पहला स्टेप ये है कि चार्जर लगाना है आपने, और चार्जर लगा के मल्टीमीटर को डीसी पे सिलेक्ट करके, तो इसके बैटरी पे जो कनेक्टर है ना बैटरी का, उस पे वोल्टेजेस चेक करने हैं कि वी बैट पे जो वोल्टेजेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, क्योंकि इस फ़ोन की चार्जर लगाने से जो नोटिफिकेशन लाइट होती है इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह में वो जल रही है, तो उससे ये भी जज कर सकते हो कि उसकी वी बैट तो कन्फर्म बन रही है। फिर भी आपको मैं चेक करके बता देता हूँ कि वी बैट बन रही है या नहीं बन रही। चार्जर लगा के अभी मैं चेक करता हूँ, ये देखें इस पे 3.35, तकरीबन 3.5 जो है ना वो वोल्टेजेस बन रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पावर आईसी है वीपीएच बना रहा है, वी बैट भी ओके है बिल्कुल। तो अगला स्टेप जो है आपने चेक करना है कि इसकी जो बक वोल्टेजेस हैं वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। कोई भी डेड फोन आपके पास आए इस कंडीशन में, तो आपने ये दो तीन चीज़ें आप चेक करोगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना फॉल्ट मिल जाएगा कि कहाँ पे मसला है। ये देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेजेस नहीं बन रहे, ये सारे कॉइल्स पे आप चेक करो कोई वोल्टेजेस नहीं है। तो इन सारे कॉइल्स को पहले आप कोल्ड टेस्टिंग में चेक कर सकते हो। मैंने चेक किया है तो किसी कॉइल पे जो है ना शॉर्टेज वगैरह नहीं थी, क्योंकि ये बक वोल्टेजेस हैं, इनमें कोई मतलब इशू नहीं था, बक कॉइल्स हैं। ये देखें वीपीएच भी जो है ना, वीपीएच के लिए ये देखें लाइन प्रॉपर इनपुट हो रही है पावर आईसी में। तो इससे जो है ना आप डायरेक्ट पावर आईसी को चेंज नहीं कर सकते कि ये वोल्टेजेस नहीं बना रहा, क्योंकि बाज़ औक़ात मसला कहीं और होता है, और हम जो है ना पावर आईसी अगर वोल्टेज नहीं बना रहा तो पावर आईसी को निकाल देते हैं, तो ये सोल्यूशन नहीं है। पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखो तो इंशाल्लाह आपको जो है ना प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा इसका, कि अगर ऐसा कोई मसला है तो उसको कैसे आपने ट्रेस करना है। तो इसके लिए अगर आप पावर आईसी चेंज कर भी दो तो फिर भी ये वोल्टेज नहीं बनाएगा, क्योंकि इसकी जो आगे लाइंस हैं उनमें शॉर्टेज है, तो जब तक शॉर्टेज रहेगी तो यहाँ पे वोल्टेज जो है ना वो नहीं बन सकते। ये देखें अभी जीआरबी आपको चेक करवाता हूँ मैं, ये देखें सारे कॉइल्स पे जीआर प्रॉपर आ रहा है, कोई शॉर्टेज नहीं है। सब कॉइल्स जो है ना वो बिल्कुल ओके आ रहे हैं। ये सारे बक कॉइल्स जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं, हाई एलडीओ बनती है इनमें से, और सीपीयू के कोर के वोल्टेजेस बनते हैं 0.6 से लेकर 1.2 तक। तो अभी आपने कुछ जो है ना चीज़ें बड़े ध्यान से देखनी है। मैं आपको बताता हूँ कि जो एमटीके के फ़ोन्स जितने भी सीपीयू ये यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनमें इसी डायरेक्शन में आपने देखना है, तो इसी डायरेक्शन में अगर मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है तो इसकी लेफ़्ट साइड पे जो है ना जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वहाँ पे आपको ये जो है ना वी आईओ 1.8 और वी यूएसबी मिलेगी। ये देखें ये दोनों लाइनें शार्ट हैं, ये भी शार्ट है, 31 की वैल्यू आ रही है और बीप दे रही है। ये इन कैपेसिटर में जो लेफ़्ट साइड पे पहला कैपेसिटर है वो वी आईओ 1.8 का है, और उससे अगला साथ ही जो है ना वो वी यू एस बी पी एम यू का है। ये दोनों आपने कैपेसिटर चेक कर लेने हैं तो इंशाल्लाह आपका मसला जो है ना 90%
किधर से ही पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पे फॉल्ट है। तो ये फॉल्ट, ये लाइनें, दोनों वोल्टेजेस जो है ना वो पावर आई सी जनरेट करता है। लेकिन मसला ये है कि अगर ये लाइनें शॉर्ट होंगी या कोई और इश्यू होगा तो उससे सीपीयू पावर आईसी आपका अगर ओके भी है तो फिर भी वो वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकता। बस ये कुछ चीज़ें जो है ना आपने ध्यान से देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको पूरा सोल्यूशन इसका जो है ना वो बताते हैं कि ज़्यादा टाइम ना ज़ाया हो। तो सबसे पहले जो है ना सीपीयू को निकालना है। क्योंकि ये ब्लैक पेस्टेड और ना ही को मतलब पेस्ट वगैरह इस पे है, बहुत इजीली जो है ना सीपीयू आप निकाल सकते हो। एमटीके के फ़ोन जितने भी हैं ये, इनमें ज़्यादातर मसला ये आता है कि इनके सीपीयू जो है वो फॉल्टी हो जाते हैं और लोग इसको ना चेंज करते हैं ना ही इस तक मतलब आगे ट्राई करते हैं कि ये ठीक भी हो सकता है या नहीं हो सकता। एम टी की के जो सी पी यू हैं उनको चेंज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसको जो है ना चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रिबाल कर सकते हो। ये देखें सी पी यू उतर गया। तो इसके अब आपने लाइंस को चेक करना है, वी आई ओ 1.8 की और वी यू एस बी जो लाइंस शॉर्ट आ रही थी कि वो अभी भी शॉर्ट हैं या नहीं है। अगर इनमें से सिर्फ एक लाइन शॉर्ट हो वी यू एस बी की, तो उसका एक और ट्रिक भी है, विदाउट सी पी यू चेंज किए भी आप फ़ोन को ऑन कर सकते हो। लेकिन यह है कि उसमें एक और इशू आता है, लेकिन फ़ोन ऑन हो सकता है। तो मज़ीद इंशाल्लाह ऐसा कोई फ़ोन आया तो मैं उस पर भी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कि उसको कैसे आप ऑन कर सकते हो सी पी यू की लाइन शॉर्ट होने के बावजूद जो है ना फ़ोन ऑन हो जाएगा। लेकिन वी यू एस बी पी एम यू जो है ना वही शॉर्ट हो तो बस, क्योंकि बाज़ औक़ात वो हो जाती है और ये मसला आता है। अभी सी पी यू उतार के मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें दोनों लाइंस पे रीडिंग प्रॉपर आने लगी है। ये देखें जो रीडिंग होनी चाहिए वही रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि सीपीयू जो है ना वो फॉल्ट उसी में है। तो अब नोट करो कि अगर सीपीयू आप नहीं उतारते या यहाँ तक नहीं जाते तो आप 50 बार बेशक इसको पावर आईसी को चेंज कर दो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन वोल्टेज नहीं बनेंगे। क्योंकि लाइन जब तक एक लाइन भी शॉर्ट रहेगी तो पावर आईसी जो है ना वो वोल्टेज नहीं बनाएगा, और वोल्टेज नहीं बनाएगा तो मोबाइल ऑन नहीं हो सकता। अभी आपको दिखाता हूँ चार्जर लगा के कि इसके जो बक वोल्टेजेज हैं वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि सीपीयू कैसे चेंज करना है। आप बस ध्यान से देखते रहें। ये देखें वीपीएच चेक कर लेते हैं। ये जो कैपेसिटर एक लाइन में लगे हुए होते हैं कॉइल्स के आगे, ज़्यादातर यहाँ पे ही वीपीएच के वोल्टेजेस इनपुट होते हैं सीपीयू इसको पावर आईसी को, वो आ रहे हैं। ये देखें एलडीओ की लाइन जो है VS1, इसमें डायग्राम में VS1 कहते हैं। ये देखें 2.0 के लगभग जो है ना वोल्टेजेस बन रहे हैं। ये देखें ये कोर की लाइन है सीपीयू की, यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है 0.6, 0.8, 0.9 इसके लगभग ही वोल्टेज मिलते हैं। ये देखें सारे वोल्टेजेस प्रॉपर जनरेट हो गए हैं, इसका मतलब है कि पावर आईसी बिल्कुल ओके था। तो पावर आईसी ओके होने की वजह से जो है ना उसके बावजूद जो है ना काम नहीं कर रहा था, तो सिर्फ उस शॉर्टेज की वजह से। तो अब बात आती है सीपीयू की। तो सीपीयू चेंज करने के लिए एमटीके का कोई भी सीपीयू है, कोई इतना मतलब मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ देखना है कि जो सीपीयू लगा हुआ है उस तरह के कितने पुराने फ़ोन्स पड़े हुए होते हैं, उनके सीपीयू ठीक होते हैं, तो उनमें से किसी में से भी उतार के तकरीबन जो ओल्ड सिक्योरिटी में जितने फ़ोन हैं उनमें कोई इशू नहीं आता सीपीयू चेंज करने का। ये देखें
यहाँ पे ये 3.0 भी VUSB पे बन रहे हैं और VIO 1.8 बन रहे हैं, ये वोल्टेजेस भी बन रहे हैं। अगर ये वोल्टेजेस आपके बन गए तो आपका फ़ोन 100% ऑन होना चाहिए। अगर उसकी जो मेमोरी की लाइंस हैं या उसकी जो स्टोरेज की और रैम की लाइंस हैं उनमें कोई इशू ना हो तो फ़ोन को 110% ऑन होना चाहिए, अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो। अगर अगर मेमोरी में या कोई ऐसा कोई इशू है तो फ़ोन को कम से कम पोर्ट जो है ना वो कंप्यूटर पे आप चेक कर सकते हो, MTK की पोर्ट बना देगा तो इसका, क्योंकि CPU जो है ना वो प्रॉपर काम करेगा अगर ये सारे वोल्टेजेस जनरेट हो जाएंगे तो। इन वोल्टेजेस का जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता रहा था कि इसको आपने जो है ना CPU को ले लेना है। ये देखें, मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ था, उसमें से उसके साथ का CPU मैंने निकाल लिया है और रिबाल करके अभी लगा के आपको चेक करवाते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज़ कर दी है वीडियो की ताकि टाइम जो है ना वो कम लगे। इतनी लंबी वीडियो बनानी नहीं थी, बस मैंने कहा कुछ चीज़ें जो है ना जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आपको बहुत आसानी हो ऐसी चीज़ों को जो है ना रिकवर करने में और ऐसे मोबाइल्स को रिकवर करने में। क्योंकि मार्केट में जो बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वो MTK फ़ोन्स ही हैं, और MTK में टेक्नो इन्फिनिक्स वगैरह के काफ़ी सारे फ़ोन्स जो है ना इनमें ये इशू आते हैं। वीवो ओप्पो में भी आते हैं MTK फ़ोन्स में, उनको भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वीवो के और ओप्पो की सिक्योरिटी थोड़ी सी हाई होती है जिसकी वजह से आपको जो है ना CPU चेंज करने के लिए उसका एक अलहदा तरीक़ाकार है। वो भी इंशाल्लाह कोई मेरे पास आया तो आपको मैं चेंज करके बताऊंगा कि उसको कैसे चेंज करना है। हो सकता है वो भी, काफ़ी सारे मॉडल्स जो है ना हमने रिकवर किए हैं। ये देखें, अभी बोर्ड को लगा के चेक करवाता हूँ। इसमें यह है कि फ़ोन प्रॉपर ऑन होगा इंशाल्लाह और एक बार वाइप करेगा क्योंकि CPU चेंज हो जाता है। और ये देखें, फैक्ट्री रीसेट आपको करना पड़ेगा, डाटा इसका जो है ना वो चला जाएगा क्योंकि EMC जो है ना और फ्लैशिंग वो CPU के हिसाब से थी, तो उस वजह से एक बार जो है ना वाइप ये होता है। ये मोबाइल बिल्कुल 100% हो गया है और प्रॉपर वर्क करेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।